तो फिर से स्वागत है सभी का। जैसा कि पिछले ब्लॉग के एंडिंग में बताया था, बायन की एक नई जगह कवर करने सारी मंडली रोजनहाइम के मेन स्टेशन पे पहुंच चुकी है। हमारी ट्रेन अभी आती होगी और ये जो इन्फॉर्मेशन मैं दे रहा हूँ वो म्यूनिख सेंट्रल स्टेशन के हिसाब से दे रहा हूँ, और जैसे जैसे हम आगे जाएंगे वैसे वैसे इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी। तो शुरू करते हैं। तो हम लोग एक नए देश में प्रस्थान कर चुके हैं। ये जर्नी काफ़ी इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि हमें जर्मनी से ऑस्ट्रिया आना होगा, फिर ऑस्ट्रिया से वापस जर्मनी जाना होगा। अरे फैक्ट वाली बात आगे जाके आपको बताऊंगा। थोड़े रास्ते कॉम्प्लिकेटेड है और इन्फॉर्मेशन बहुत ही अच्छे से दे दी गई है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वो सामने बानोफ है ट्रेन स्टेशन, अगर आप वहाँ से आ रहे हो तो फर्स्ट थॉट यही होगा कि सामने जो बसेस दिख रही है वहाँ पे ही जाओगे। लाइक वहाँ पे ही सबसे बड़ा स्टेशन है बस का, पर वहाँ पे नहीं जाना है, ये साइड घूम के आना है। और यहाँ पे जे स्टेशन है, जी होना चाहिए पर पता नहीं क्यों जे है, जे पे जाना है। ये बस डॉयचे बान की है, लेफ्टी बी वालों की। जर्मनी में यही चलती है, हमारे पास वही टिकट है, फिर भी हमको यहाँ पर टिकट लेनी पड़ी। सैड लाइफ। दो नंबर की बस ली थी तो यहाँ पे एक चेंज आता है, बैरक्स गेडन करके सिटी टाउन आई डोंट नो। तो हमने नेक्स्ट बस नहीं पकड़ी है, हम उसके बाद वाला कनेक्शन लेंगे। तब तक हम यहाँ बर्गर किंग से कुछ खाना वाना खा लेंगे, एक पिज़्ज़ा भी तो ज़रूरी है। और उससे पहले थोड़ा सा बचपना कर लेते हैं। सरस एक यूरो करते 50 सेंट 9000 लागे। नाइस सरस। अब मैं ट्राई करेगा, वो वीडियो नहीं बनाएगा, बाद में आना। ये है दूसरा कनेक्शन और ये है लास्ट स्टॉप, नॉट लास्ट स्टॉप बट यहाँ पे उतरना होगा और यहाँ से आगे की जर्नी होगी पैदल, या फिर आगे देखते हैं क्या ऑप्शंस अवेलेबल है। तो कल देखा था आपने, एक कल कहाँ थे? स्ट्रैंडबर्ग से थे।
फिर घूमे तो नहीं लौट एक का बैग ढूंढ रहे थे, फिर अभी आए इसका एक थी ना बेहद पौधे पर दुआ बोझ मारा क्यूनिश जे क्यूनिक नहीं क्यूनिश जे एक बहुत बड़ी सुपारी दी है। तब उधर आए और अभी अपने स्वयं फिर से ओयरो की स्वाइन फेयर से 42 यूरो की अपने बैंक अकाउंट से कट चुके हैं क्योंकि इधर का रोप में इतना महंगा है। वंस मोर और हमने मैचिंग ग्लव्स भी पहने। इसने मेरा बुच मारा है ग्लव्स। बाबा हिंदी बाबा हिंदी और ये है सीनरी। जैसा कि कल बताया था क्योनिक से हम आ चुके हैं और बड़ी मुश्किल से सुबह में लोगों को जगाया और फाइनली पहुंच गए। ये प्लान मैं जब 1.5 महीने पहले मैंने कहा था तब का बन रहा था, आज जाके मौका मिला है। और जो लोकेशन देखना चाहते थे आप और मैं खास करके, वो फाइनली आज जाके देखने को मिला है। सिनेमेटिक्स तो देखे ही होंगे और ये पूरा है, जो ये ट्रॉली वाला सीन है वो पूरा अनएक्सपेक्टेड था, सोचा नहीं था कि ये भी करेंगे पर मजा आ रहा है। देख रहे हो इसकी टिकट 42 यूरो, जैसा मैंने आगे भी वीडियो में दिखाया था, वो पॉज करके देख लेना, प्राइस वाला पूरा चार्ट दे दिया गया है और उसमें जाने की और आने की दोनों की टिकट आ जाती है। और रिटर्न में वो देख रहे हो वहाँ से ऐसे करके वापस जा जाएंगे फिर, और ऊपर पहाड़ों में देखते हैं। यहाँ पे कहते हैं कि समर्स में भी ऐसे बर्फ दिखती रहती है थोड़ी बहुत, अभी तो विंटर्स चल रहा है तो काफ़ी अच्छे से दिख रही है। वैसे विंटर के साथ थोड़ा बहुत सनलाइट है तो और भी मस्त है। एंड ये थोड़ा सा लेक वगैरह इधर है, थोड़ा बहुत ऊपर है। और फिलहाल हम आगे वाले में सारे चले गए बाकी के लोग, और मेरे लिए ये दो गवार लोग इधर छोड़ गए ये लोग। हाय, हाउ आर यू? इसको यहाँ पे भी फोटो खींचवा लें। सोचा नहीं था पर थोड़ी बहुत स्विट्जरलैंड वाली फीलिंग आ रही है। और यहाँ पे स्कीइंग भी हो रही है। जितना दिखता है उतना इजी नहीं है, पैर रखते ही फिसल, देखो वो फिसल रहा है, ये देखो रुकी ए, 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 गया सॉरी गया वो भी, इसके नजदीक में चलो अभी तो मोस्टली सब यही है। देखो स्कीइंग वाला स्पॉट आ गया है, और अभी यहाँ से हमको शायद चेंज करनी होगी और हमारे दोस्त लोग भी आगे उतरे हैं तो अभी देखते हैं ऊपर जाके कैसा होता है। देखो ये लोग को यहाँ पे उतार दिया गया है, एक के बाद एक होता है ना,
तो ये वाला बंद था, इन लोग को लगा ये भी चालू होगा हमारे आगे वाला, तो दोनों बाइक बंद हो जाता पर ये हुआ नहीं है। तुम लोग उतर क्यों गए? तुम लोग उतरे क्यों? उतरे क्यों? अच्छा अच्छा तीन चार लोग तीन चार लोग आ जाओ, तीन चार लोग आ जाओ अंदर। पर आमना मावी जा, तू आमना मावी जा, तो अच्छे से क्या उसके साथ गेम हो गया गेम ये उन लोग को लगा ये स्टॉप है और ये लोग उतर गए। हमारी जो टिकट थी उस समय यहाँ पे भी कुछ गेम हुआ है। टाइम मेडिकल इमरजेंसी प्रे फॉर हर। तो भाई हम ऊपर तक तो पहुंच गए पर हमारे फ्रेंड्स लोग अभी भी नीचे हैं। दो थे वो घुस चुके हैं, वो लोग आगे इसलिए चल गए क्योंकि थोड़ा टाइम वाइम से हो जाए, क्योंकि इधर फोटोग्राफी का भूत बहुत ही लोगों का है गंदा वाला। एक लोकेशन पे लाइक ये फोटोग्राफी का भूत वाली चीज़ मुझे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, सबको पता है कितना टफ होता है इन लोगों को हैंडल करना। लाइक मैं भी उनमें से एक हूँ पर मैं इतने नखरे नहीं दिखाता क्योंकि मैं फ़ोटोग्राफ़र हूँ। और हर ग्रुप की ये कहानी है कि फ़ोटोग्राफ़र की अच्छी पिक्चर्स कभी भी नहीं आती है, तो मैं मेरा दर्द आप लोग समझ सकते हो। लाइक जो फ़ोटोग्राफ़र है वो काफ़ी हद से मतलब रिलेट कर लेंगे अच्छे से। और फ़िलहाल कहानी ये है कि दो टाइप की टिकट्स होती हैं, एक टिकट नीचे तक की होती है, एक यहाँ ऊपर तक की होती है, हमारी ऊपर तक की थी। तो अब वो लोग बीच में उतर गए थे तो जो मतलब जिसकी भी नीचे तक की टिकट होगी तब वो पूरा खाली हो जाएगा, एक रो पे पूरा खाली हो जाएगा, तो तब जाके उसका नंबर लगेगा, तब तक उन लोगों को वेट करना पड़ेगा। तो बस वही बात है, अभी देखते हैं कब उसका नंबर लगता है, तब तक हमें यहाँ पे वेट करना है। उन लोगों ने तो मज़े करना चालू कर दिया पर मैं रुक रहा हूँ यहाँ पे, और स्मार्ट लोग भाई इस बार भी आधे ही आए। लाइक मैंने जो बताया कि एक पूरा खाली होता है तो इन लोग को सबको आने को मिलेगा, वो तो पूरा अनएक्सपेक्टेड था। Let's go, yeah. Action. तो आ चुके हैं क्योनिक्स से। शायद मुझे घर वाले याद करें। और ये कहीं पहुंच चुके हैं रोप में बैठ के पहाड़ों के ऊपर, ठंडे इधर बाद और तो इंडियंस का भी इंडियंस बनना ख़त्म नहीं हुआ, उनको और फोटोज चाहिए। बाकी इधर आना है तो यूनिक से तीन घंटे गिन लो, और ऊपर चढ़ना है तो और आधा घंटा गिन लो, तो 3.5 घंटे में पहुँच जाओगे। और दूसरा तो क्या है बोलते, और उधर खटालों में ये लोग बीच में से उतर गए थे, इसको ऐसा लगा था इधर स्टॉप आ गया। हाय बाय ये ना बाय।
इस बार सब साथ में चढ़ रहे हैं। 10 की कैपेसिटी थी, हम लोग को पता नहीं था, तो आज सब लोग एक साथ। कार टूर करवा दे आपको आपके टूर गाइड के साथ साहिल शिलिया। क्या मेरा मुंह की कैमरा की है? लाए 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 लाए। मैं ऋषभ जासोलिया बोलता हूँ, ये सब मेरे घर में मेहमान गति मारने के लिए आए हैं। बराबर से अरे आ लोगों ने मजा आवे से। ठंडी थोड़ी वाई से, ठंडे थोड़ा लगता है, लेकिन अभी हमारा नीचे जाने का प्लान है, तो कुछ करेंगे वहाँ पे, फिर घर भी जाना है, फिर सब लोग ने बोला कि एक मिसल पाव बनाना है, क्योंकि कल ये हुआ था कि पुलिस वाले आ गए थे, तो फिर बोले थे कि तुम लोग आवाज कम करो, लेकिन अभी आप ही सोचो 10 लोग खाने बैठेंगे तो कैसा होगा। तो फिर ये मामले के लिए हमने आज ये सोचा कि थोड़ा जल्दी कर लेंगे, तो क्या है कि मेहमान को भी मजा आएगा और मिंडी रमेंगे। कितने टाइम बाद ये इंटरसिटी टूर मार रहे अपने, और शायद लाइक हम दोनों एक फ्रेम में दिख रहे बहुत टाइम बाद। अरे तीसरा परिंदा मस्त गगन में, क्या बोल रहे हैं? बस एक और ब्लॉग शूट करना था। दो कमेंट भी चलेगा चलेगा, कोई भी आ सकता है, मैं सबको खिलाऊंगी बना के, स्पेशली ये वाले बंदे को खिलाना है मिसल पाव। इसका ऐसा कहना है कि अच्छा खाना बनाता है, मर गया मां। ब्लॉग इधर ही थोड़ा सा एंड करते हैं। थाम लो, ए बंद कर। इतनी देर बोल नहीं सकती थी, नहीं बोल सकती थी, बोलने लगी। हमने अपनी टची ची आओ खेल मत पेरी नूल बोलने लगी। તારી ક્યાં હાકું છું? મારી હાકું ને હું ગમે એમ હાકું, ઈ જ મારો હું શીખો ને જયારે આપણને ઓલું હોય આમ લીવર વીવર દેવી ત્યારે મને ઘરે કહી દીધું તું ટમેટો લઈ જાય ઘરે થી આગરી આડી તમે તો હારા બધા સત્યનારાયણ ની કથામાં પ્રસાદી નહી તો અહીંયા વહીવટ કરતા હોય પડ્યા હોય એ કે ઓલી રમીલા કોઈ દી કે લાવતી જ નથી, તમારે બેન કેટલી વાર ગોયડું છે કે આપડે ખાવા ન જતા, નાસ્તો કરવા ન જતા, નો દેતા હોય તો પણ માને નઈ ને કોઈ નું, પણ નઈ માનવું કોનું, પછી ઈ ની ઈદ પાછી ચાર ડીશ ઘરે મૂક્યા આવે નાસ્તા વખતે। કંપલ્લો
तो अभी जा रहे हैं क्योनिक से। अभी ऊपर तो गए थे, वो कौन सा माउंटेन था, वो जो भी थे एक फैक्ट की बात थी। आप लोगों ने ऊपर देखा होगा वो जो ट्रॉली थी ना, उसमें फर्स्ट स्टॉप था ना जहाँ पे ब्रेक मारी थी, वहाँ तक जर्मनी था। फिर वो ट्रॉली पे वापस हम सेकंड हाफ में गए थे एकदम ऊपर, वो था ऑस्ट्रिया। तो वहाँ पे लाइक लिटरली सिग्नल चेंज होते हैं फ़ोन में, लाइक एक हाफ में जर्मन का सिम लगेगा और फिर ऊपर चले गए तो फिर ऑस्ट्रिया का मतलब टेलीकॉम लोकल कंपनी का नेटवर्क आ जाएगा। तो ये पॉइंट एक बहुत ही अच्छा था। एक पहाड़ में बॉर्डर डिवाइड करके रखी है, ट्रॉली से जाते हो आप बिना कोई पासपोर्ट के। डरो क्यों मजा आती है सब करने सारे ब्लॉग्स में कंटेंट प्लान नहीं होता है, इसलिए ऑर्गेनाइज नहीं होता है। और शायद यही रीज़न है ऑथेंटिसिटी का, जो आगे जाकर नॉस्टैल्जिया फील करवाता है। तो कल एक और ब्लॉग के साथ मिलते हैं, उसमें भी कंटेंट प्लान नहीं होगा, ऑर्गेनाइज नहीं होगा और वापस से एडवेंचर होने के पूरे चांसेस हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।